मेरा भाई है, छोटा भाई विकास कुमार, 24 साल उम्र है। वो दीदी जीजा भांजे के साथ 8 तारीख को वैष्णो माता गए थे। उसके बाद वैष्णो माता से प्लान बना गोल्डन टेंपल जाने को। गोल्डन टेंपल 12 बजे 12 तारीख को रात को, जम्मू से 9 बजे रात को ट्रेन पकड़े। 13 तारीख 2 बजे 2:05 AM यहाँ पे गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकने के बाद मेरा भाई प्लेटफार्म से बाहर निकल गया। वो अभी काम कर रहा था, गुरमेल मेडिकल पे काम कर रहा था। डी फार्मा का एडमिशन 1 महीना पहले कराया है फतेहगढ़ साहिब में, ठीक ठाक था। 8-10 महीना पहले उसको थोड़ी डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, दवाई लिया था, ठीक हो गया था। डॉक्टर बोले थे ठंडा गर्म होगा तो दिक्कत आ सकती है, वो थोड़ा ध्यान रखना। और उसके बाद वो वैष्णो माता गया, ठंडा पड़ा, कुछ नर्वस हो गया था जम्मू में ही। उसके बाद सर क्या हुआ, यहाँ अमृतसर आया। अमृतसर मोबाइल भी उसके पास नहीं था, आधार कार्ड और आधार कार्ड जो बैग में रखा था। मेरा भांजा सामान उतारने लगा और भांजे को मोबाइल लिया था, हाथ में लिया था, बोला मुंह धो लेता हूँ मैं। मेरा भाई मुंह धोने उधर से चला गया। उसके बाद उसके मन में क्या बनी, दिमाग उसका अपसेट था। रिपोर्ट यहाँ पे कराई, प्लेटफार्म से निकल गया रेलवे से बाहर। यहाँ पे रिपोर्ट उसी दिन आया कराया मैं लुधियाना, तुरंत 2:30 बजे खबर लगा, तुरंत आया यहाँ पे। यहाँ पे तुरंत दुर्गियाना चौकी पे आया, बोला मैं क्या रिपोर्ट दर्ज करो सर। बोले मेरे एरिया नहीं, मैं क्या रेलवे से निकल गया सर। पुलिस प्रशासन रिपोर्ट लिखने के बाद कोई क्लू नहीं मिला अब तक सर, कोई क्लू मिलने का मतलब वो बैक गेट से निकला है या इधर गया या इधर गया, उसका क्लू करे कहीं ना कहीं। कैमरा जहां मर्जी टीम लगाएं, अगर कोई हाई प्रोफाइल मामला होता तो टीम लग के अब तक मामला सोल्व हो जाता, लेकिन मेरा भाई है, अब तक कोई मामला सोल्व, कोई क्लू नहीं मिला इनको। इतना इनके पास एक एम्प्लॉई है, वही इधर उधर दौड़ते हैं और कोई बंदा नहीं है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। मैं पुलिस प्रशासन CP सर से, DGP सर से, मान साहब से, भगवंत मान से, मैं यही हाथ जोड़ के विनती है अमृतसर वासियों से और जा सरकार से सबसे कि मेरे भाई को मिला दो, किसी तरह इस पे कार्रवाई करके खोजबीन करके मिला दो। और अमृतसर वासियों से, एक गुरु धर्म है, गुरु नगरी है, आप लोगों से विनती है कि मेरे भाई को कहीं देखो, इसके हाथ में लक्षण है, यहाँ से पूरा लक्षण है बाएं हाथ में, चिल्ला पाना विकास नाम लिखा, और इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास सिर्फ पैसा होगा और ये चूल्हा में विकास नाम लिखा, इसका नाम विकास है। आप देख सकते हैं कितना होनहार बच्चा, दिमाग की डिप्रेशन के कारण एक जहां जा रहा होगा इसका कुछ पता नहीं है। और जो भी देखे, मेरे मोबाइल नंबर 9779405822 मेरे नंबर पे कॉल कर, या चौकी दुर्गियाना चौकी पे बता दे, 9779405822 दिलीप कुमार नाम है। हम लुधियाना से आए हैं, हम सर 5-13 तारीख से लगे हैं, पूरा अमृतसर का खाक छान मार रहे हैं। 8-10 बंदे गोल्डन टेंपल गए, वहाँ इधर उधर जहाँ मंदिर गए, दुर्गियाना मंदिर गए, बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे गए, पिपली गुरुद्वारे गए, जहाँ जो बता रहा तहाँ जा रहे हैं, हर जगह रास्ता पार्क, जहाँ जो बता रहा वहाँ गए, कोई खबर नहीं लग रहा है। जब तक स्टेप बाय स्टेप, नेटवर्क बाय नेटवर्क नहीं जोड़ के पुलिस प्रशासन करेगी, तब तक भाई हमारा नहीं मिलेगा। क्या हो सकता भाई हमारा किडनैप हो गया हो, बाहर निकलते क्या हो गया होगा, कुछ कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हम हाथ जोड़ के विनती है सबसे, पुलिस प्रशासन सरकार से, कि मेरे भाई को मिलवा दो, मेरे भाई को खोज दो। मैं आज जिंदगी भर आभारी रहूँगा, आप लोगों का गुलाम बना रहूँगा, जो कहोगे आप, मैं यही कहूँगा पुलिस प्रशासन से, सरकार से दोबारा, कि मेरे भाई को खोजबीन में काम तेजी करो, काम तेजी नहीं है। अगर कोई, मैं फिर से कर रहा हूँ, हाई प्रोफाइल मामला होता तो अब तक सोल्व हो गया होता, टीमें लगा देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, फॉर्मेलिटी के अलावा कुछ नहीं हुआ। मैं दोबारा हाथ जोड़ के विनती है, हमारे भाई को मिलवा दो, हमारा भाई मिल जाए। भाई हमारा चिराग है घर का, हम नहीं रह पाएंगे भाई के बगैर। भाई ये हमारे पापा हैं, पिताजी हैं, हमारा भाई है, हमारा दूसरा भाई है, हम 3 भाई हैं।
बड़ा होप था अपने भाई पे, हमारा भाई शादीशुदा नहीं है अभी। हम यही चाहेंगे दोबारा अमृतसर वासियों से हाथ जोड़ के विनती है, पैर छू के विनती है सबसे अमृतसर गुरु धर्म नगरी की, हमारे भाई को जहाँ भी खोजें जहाँ भी देखें या तो हमारे नंबर पे या तो चौकी पे सब बताएं जरूर, हमारा भाई मिल जाए। और प्रशासन से सरकार से यही है कि हमारे भाई को खोजे। मुंडा वैष्णो देवी तो आया सी मत्था टेक के अपने परिवार के नाल 13 तरीक से 14 तरीक की मॉर्निंग 12 तरीक 13 तरीक की मॉर्निंग के बच्चे तो जदों ये स्टेशन पर पुजा हुआ तो अपने परिवार के नालों निकल के बाहर आ गया स्टेशन पर, पर स्टेशन तो बाहर आता भी कि क्लीयर नहीं हो रहा, सीढ़ियों का कह फिर वापस चले गए या ट्रेन से बैठ गया क्लीयर नहीं पा रहा, RPF के भी कैमरे चेक किए गए। यह मुंडे का नाम है जी विकास, तो रहने वाला लुधियाने का, पिछले जुटी बिलोंग कर दें सारी कार्रवाई की जा रही, CCTV कैमरे चेक किए जा रहे हैं।